यूपी पंचायत चुनाव 2021, आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज। यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण की मार से बचने के लिए ग्राम प्रधानों ने बनाया मास्टर प्लान। ये है गणित। यूपी पंचायत इलेक्शन। यूपी में अभी स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय होने वाला है। बहुत सारी सीटें सामान्य से आरक्षित जबकि आरक्षित से सामान्य हो जाएंगी। बदलती को मौजूदा प्रधानों ने भी इसके काट कर मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। तो आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट ऑप्शन में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में प्रधान ग्राम प्रधान हो या फिर दरोगा, ग्रामीण इलाके में सबसे मजबूत संभव इनकी माना जाता है कि दरोगा तो फिर भी बदल जाते हैं लेकिन प्रधानी तो पीड़ित दर पीड़ित चलती ही रहती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जब किसी को लगता है कि वो प्रधान का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाना चाहता है कि जिससे पर उसका पूरा जोर चल सके, यानी पद पर ना भी रहते तो काम से काम पावर बची तो रहती है। पंचायत चुनाव पंचायत इलेक्शन में ऐसा बहुत होता है कि सीट महिला हो गई तो पत्नी या माँ को लड़ा देते हैं और यदि ओबीसी में एससी के लिए आरक्षित हो गई तो अपने किसी नज़दीकों को लड़ा दिया जाता है। तो यूपी में अभी स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय होने वाला है। बहुत सारी सीटें ऐसी हो जो सामान्य से आरक्षित जबकि आरक्षित से सामान्य हो जाती हैं। आरक्षण में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं कि आरक्षण क्योंकि पिछला आरक्षण सपा सरकार से तय हुआ था अब भाजपा की सरकार सत्ते में है, ऐसे में आमूल बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ से सरकार का इस मंशा को मौजूदा प्रधानों ने भी इसकी काट कर मास्टर प्लान बना दिया गया है। तो आपने हमें कीमती समय दिया, कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो मिलते हैं। शुक्रिया।